यार इट वाज टफ फॉर मी बिकॉज मैं पंजाबी हूँ यार, मैं दिल्ली की हूँ, मेरी दही पराठे छाछ लस्सी मतलब ये तो है ही है। Are you a foodie? Are you big on food? And if you are, then how do you sustain the whole health aspect and fitness bit and the foodie bit? I am a foodie. पहले मैं थोड़ा चाट वाट मतलब मेरे को रोज से ही होती थी चाट और मुझे ये एक्सप्लोर करना है वो एक्सप्लोर करना है but for the past 1.5-2 years I think डेढ़ साल से तो मैं वीगन हूँ एंड मैं काफी ध्यान दे रही हूँ अपने लाइफस्टाइल पे बिकॉज आई नो दैट हाउ फूड इफेक्ट्स योर थॉट प्रोसेस इट मतलब इट हैज वर्क विद माई कैरेक्टर्स एज वेल लाइक व्हेन आई वाज प्रेपिंग फॉर पटाखा आई वाज डूइंग दिस अनकॉन्शियसली बट आई वाज ऑन रेड मीट एंड आई हैड टू बी दिस एनिमलिस्टिक पर्सन हूज लाइक आई विल किल यू एंड फक यू एंड ला 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 But when I was shooting for Mars, I was on eggs and chicken. But when I did Tarika, I became a vegan automatically because I had to have that purity and innocence and something which is untouched. And it just happened. And since then, because I know that feeling, I don't want to continue. And I'm like, I keep going back to that. So now I've become a vegan. And you know, just eliminating few things from your life, it just works really well for you. Yeah, like just eliminating white sugar or dairy. उसी में तुम्हारा आधा काम हो जाता है, तुम सही रहते हो. Honestly speaking, भाई मैं तो यार सुबह का वो तो दूध, एक कप दूध वाला, मैं एक जो पूरा मग्गा दूध का होता है ना, वो बढ़िया important होता है. तो how do you let go of the milk part in the vegan bit? Yeah, it was tough for me because मैं पंजाबी हूँ यार, मैं दिल्ली की हूँ, मेरी दही पराठे छास लस्सी मतलब ये तो है ही है बट बिकॉज आई रेड अ लॉट अबाउट इट आई डिडंट जस्ट लिसन टू अ फैड और फॉलोड अ फैड आई रेड यू नो सो मेनी आर्टिकल्स एंड अ बुक एंड आई स्पोक टू सो मेनी न्यूट्रिशनिस्ट एंड आई रियलाइज दैट हाउ बैड मिल्क इज टू यू लाइक रियली रियली बैड सो आई सब्स्टिट्यूटेड इट विद आमंड मिल्क जैसे मुझे अपनी चाय चाहिए थी तो आमंड मिल्क के साथ बनाने लग गए एंड वो बस हल्का सा टेस्ट डेवलप करने की बात है यार वो हो जाता है आलमंड मिल्क इज एक्सट्रीमली टेस्टी वो तीन गुना महंगा है बट दैट्स द ओनली प्रॉब्लम घर पे बना लेना तेरे को खरीदना क्यों है हां बना लो सही बात है मैं तो मतलब आई डोंट बाय बाहर का आलमंड मिल्क बेवूर में 10 बादाम भिगोने हैं मिक्सी में घुमाने हैं और बन गया दूध मैं क्यों बाहर इतने पैसे खर्च करूं एक आलमंड फैंसी आलमंड मिल्क करने के लिए घर पे बन जाता है यार सेम है सब्स्टिट्यूट करने की बात I'm going to mom.